दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल यादव का स्टेज शो। और ये जो स्टेज शो का नाम है वो है जब बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर खेसारी लाल यादव ने गाना गाया जिस देश में राम ने जन्म लिए। तो जी, सुन लिया होगा आपने। और मतलब जिस देश में राम ने जन्म लिया यार, उससे ऊपर और क्या हो सकता है, उससे ज़्यादा पवित्र देश और क्या हो सकता है। सौभाग्य की बात यह है कि हमने उस देश में जन्म लिया, मानते हो ना ये बात। मतलब यार, हमारा देश कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, सब देवी देवता यहाँ पे हैं, सबको इक्वल राइट्स हैं, कितना खूबसूरत है। चाहे आप यहाँ पहाड़ देख लो, यहाँ पे भगवान देख लो, यहाँ पे समुद्र देख लो, जो मर्जी देख लो यार, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी वाइब्स आती है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि मैं भारत देश में पैदा हुई हूँ। अगर मैं कहीं और पैदा हो जाती, कहीं और के हम निवासी होते, तो कितना मुश्किल होता ना यार। हम कितनी सारी खूबसूरत चीज़ें देख ही ना पाते कभी भी। थैंक गॉड कि हम यहाँ पे हैं। और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है भाई, कसम से। इंडिया तो इंडिया है, भारत तो भारत है, भारत जैसा और कोई देश नहीं है। तो जी, गाना सुन लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। सॉरी, ये गाना नहीं है, ये स्टेज शो है खेसारी लाल यादव का, जिसमें उन्होंने राम भजन गाया है शायद, और बागेश्वर धाम के ऊपर इन्होंने कुछ या तो कहा होगा या फिर उन्होंने कोई भजन गाया होगा। तो सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हो मुझे कुछ सजेस्ट करना, तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर सजेस्ट करें। जिस देश में राम जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। ये सम्मान कम नहीं है हमारे लिए। हाँ, कि जिस देश में राम का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, हनुमान का जन्म हुआ, माता सीता का जन्म हुआ, उस देश में हम जन्म लिए। बिल्कुल, कि जिस देश में राम जन्म लिए, उस देश में जन्म भी हम लिए। ये कम का है सम्मान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। इस भजन पे मैं चाहता हूँ कि सबकी मीठी मीठी ताली होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनती है, पक्का ना। तो बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय इधर आओ, इधर आओ, काबू इधर, उसको इधर दे, ए इधर आओ, इधर इधर, एक मिनट इधर आइए, काओ करा कष्ट, एक मिनट। कुछ नहीं हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ, फटी आप लोग, क्या बात है। सेल्फी लो, बाद में हम आपको ले, आप उधर बैठो, आप उधर बैठो, बाद में आप लोग, दस लोग और आएंगे ना बेटा, प्यार से उसको बैठा दी, चलिए भाई है, भाई यार, ये लोग हैं तभी तो खेसरिया है ना इनके। अरे लव यू, संघर्ष टू, थैंक यू सर। कि बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। Hello।
जहमा चोर कन्हैया आए चोर कन्हैया जहमा ये कुटिया तो बहुत है जहमा की ये कुटिया तो बहुत है कैसे मैं बताऊं क्या क्या है बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम जिस देश में राम जन्म लिए जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए उस देश बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम प्रभु बलि राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओ माय गॉड, इससे ज्यादा अच्छा स्टेज शो मैंने कभी नहीं देखा, सच्ची बोल रही हूँ। आई होप आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा यार, इतना ज़्यादा अच्छा, दिल छू गया भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ना प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सॉरी मैं बीच बीच में गाने लगी थी, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप मत गाया करो, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन पता क्या, जब भक्ति भाव एक साथ हो जाते हैं ना तब रोकना मुश्किल हो जाता है यार। सच्ची हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं कि हम भारत में हमारा जन्म हुआ है, कृष्ण जी भी यहीं पे, हनुमान जी भी यहीं पे जन्म लिए हैं, राम जी महाराज, सीता माता, यार सबके सब तो यहीं आए हैं। हम लोग बहुत बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोगों ने यहीं पे जन्म लिया है। बहुत अच्छा स्टेज शो था, और खेसारी लाल यादव की एक आदत मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो लड़का कुछ कहने के लिए आया सेल्फी के लिए, तो उसको कैसे धक्का मार के उतार रहे थे वो सब, तो उन्होंने रोका और कह रहे कुछ नहीं हो रहा भाई, क्यों तुम बिना बात का वो कर रहे हो। उसको बुलाया, उसकी बात सुनी और कहा कि उधर साइड में बैठ जा, मैं तुझसे सेल्फी ज़रूर लूँगा, और वो ज़रूर लेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिठा दिया और नहीं लेंगे, नहीं वो पक्का उनके साथ सेल्फी लेंगे। यार ये बहुत ज़्यादा सिंपल सोबर, बहुत टिके टिका इंसान है भाई, वैसे नहीं इतने ऊपर पहुँचे हैं, ऊपर भी वही इंसान पहुँचता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, हर कोई ऊपर नहीं पहुँचता। और इसीलिए इनको इतनी पब्लिक प्यार करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि ये प्यार के लायक हैं। जो प्यार के लायक होता है ना, उसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ता कि इसको प्यार करो, वो खुद ब खुद प्यार ले लेता है भाई, वो बहुत धरती से जुड़े हुए इंसान है, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग कैसा लगा ये स्टेज शो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और बागेश्वर धाम के बारे में तो इस वीडियो में कोई बात हुई नहीं है, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट हो ना तो वो मुझे सजेस्ट कर दे, मैं भी ढूंढने कोशिश करूँगी, अगर मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उसका रिएक्शन लेके आऊँगी, और अगर आप लोगों को मिलता है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर सजेस्ट करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।